हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अटेंडेंस। हिंदी में इसको कहते हैं सारणी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम दो इसके क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग पीरियड द डिटेल है। आपको विदाउट एक्सपेंडिंग कर किए बिना इसको आपको क्यूरेट करना है। मतलब ये जो डिटरमिनेंट दिए गए तीन तरह की, इसको आपस में एक पर बताना है। अब कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे, तो देखते हैं। थ्री जो डिटरमिनेंट दे रखी है, तो रेड करके लिखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको अपन ने डेल्टा वन लिया। तो डेल्टा वन के एलिमेंट कौन से हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये डेल्टा वन। ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम डेल्टा टू लेंगे, रेड करके एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। फिर है डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री बताया था वाई बी यू एक्स ए बी और जेड सी आर, ठीक है ना? तो अब ये तीनों आपस में इक्वल है, ये हमें सोल्व करके लाना है। तो सबसे पहले डेल्टा वन लेंगे। अब डेल्टा वन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या इस डेल्टा वन में प्रॉपर्टी यूज करने पर क्या ये डेल्टा टू आता है, डेल्टा थ्री आता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा वन अपन ने लिया। लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहां बता रखा है एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए एबीसी इस तरह से दिया जाता है, एबीसी जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, और यहाँ जो थर्ड कॉलम में दे रखा है, हो सकता है मैं इसको रो को कॉलम में चेंज करूँ तो कहीं कहीं इस तरह से ये रो वाला या कॉलम में कहीं कहीं आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रो को कॉलम में चेंज किया। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, किसी भी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो कोई वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने डेल्टा वन की जगह डेल्टा वन ही लिखा, और ए बी सी ये रो जो थी इसको मैंने कॉलम में बदल दिया, एक्स वाई को कॉलम में बदल दिया, पी क्यू आर को इस तरह से कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं ए बी सी जो यहाँ है पहले वाले को कॉलम में, अब आप देखोगे यहाँ थर्ड वाले में देखो, अगर देखते हैं अपन तो ये देखो सेकंड आपको कॉलम बता रखा है जबकि ये फर्स्ट कॉलम है। तो मैं कहीं इसको चेंज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि इंटरचेंज करूंगा सी वन सी टू को, यानी कि दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम है या दो रो है आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी कि माइनस वन आ जाएगा। तो हम इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे तो इस तरह से ये माइनस वन होता है, ठीक है? तो ये मैंने इसको सी वन को सी टू में लिख दिया, सी टू को सी वन में लिख दिया, और ये मैंने ऐसा कैसे लिखा। अब हम देख सकते हैं वाई बी क्यू, ये जो आपके सेकंड रो में आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं रो में, तो हम वापस चेंज करेंगे। तो किस में करेंगे? अब रो में चेंज करेंगे, यानी रो में हम करेंगे आर वन और आर टू आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी ये भी यहाँ लिखेंगे ये भी यहाँ लिखेंगे। तो दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता, तो माइनस वापस लिख दिया मैंने, एक माइनस थ्री पहले वाला है और एक माइनस मैंने अभी इसको चेंज किया नहीं था। तो वाई बी क्यू जो सेकंड रो थी वो आपके फर्स्ट रो में बन गई, और एक्स ए बी जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो में बन गई। बनने के बाद अब आप देख सकते हैं ये पूरे ऐसी चीज को आपको ये मिली, और इसको तो अपने डेल्टा थ्री लिखा था, ये डेल्टा थ्री के इक्वल होगी। इस तरह से डेल्टा वन इक्वल डेल्टा थ्री आ गया, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। तो पहला वाला तीसरे के इक्वल हो गया। अब हम पहला वाला क्या दूसरे के इक्वल भी है या नहीं है इसके लिए वापिस चेक करते देते हैं। वापिस हम डेल्टा वन ही लेते हैं। डेल्टा वन में हम इंटरचेंज करेंगे आर वन और आर टू, ठीक है ना? इसमें आर वन आर टू को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी यहाँ ये यहाँ, देखो ये आर सब एक्स वाई जेड ऊपर है ना, तो ये यहाँ और ये यहाँ चेंज करेंगे। तो मैंने चेंज किया, चेंज करने पर ये माइनस आ गया एक्स वाई जेड और ए बी सी, और ये मैंने बी क्यू आर ऐसा कैसे किया। उसके बाद देख सकते हैं आप कि भाई जैसे एक्स वाई जेड आ गया पी क्यू आर, देखो ये थर्ड रो है कि यहाँ पी क्यू आर सेकंड रो है, तो हम आगे और चेंज करेंगे, क्या करेंगे आर टू और आर थ्री को आपस में चेंज करेंगे। तो दो रो को चेंज करते हैं तो आपको
तो विदाउट एक्सपेंडिंग किए बिना हमने इनको आपस में इक्वल बता दिया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें लिखा है इफ a1 b1 c1 आर को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, a1 b1 c1 ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में अलग अलग जो एलिमेंट है a1 b1 c1 उन सभी एलिमेंट के को फैक्टर आपको बता रखे हैं। कैपिटल में कैपिटल a1 यानी स्मॉल a1 में एलिमेंट का को फैक्टर a1 के कैपिटल होगा, b1 का कैपिटल b1 होगा, c1 का c1 कैपिटल होगा, ठीक है। फिर आपको बता रखा है डेल्टा इस तरह से दिया हुआ, डेल्टा का डिटरमिनेंट वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये इसके एलिमेंट है। अब आपको ये दे रखा हो तो प्रूफ करना है कि डेल्टा का स्क्वायर इसके कोफैक्टर के एलिमेंट के इक्वल होता है। कोफैक्टर में कौन सा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये आपको प्रूफ करके रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो लिखा है हम ये लिखेंगे और एक हम डिटरमिनेंट ऐसी बनाएंगे जिसमें एलिमेंट इसी एलिमेंट के कोफैक्टर लिखे हैं। तो डेल्टा डे समझ लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इनके एलिमेंट इन एलिमेंट के कोफैक्टर वाली में हमने डिटरमिनेंट बना दी। अब हम क्या करेंगे आपस में इनटू करेंगे, डेल्टा और डेल्टा डेस का इनटू करेंगे, तो डेल्टा ये लिखेंगे डेल्टा डेस का लिखेंगे। अब हम इनटू भी कैसे कर रहे हैं, रो इनटू रो कर रहे हैं, यहां ध्यान रखना है या इनटू आपको रो इनटू रो करना है, मतलब ये रो ये इस रो से करना है, वापस ये रो इस रो से करना है, ये रो इस रो से करना है, ये तीनों आप यहां लिखोगे, यहां 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 लिखोगे, बीच में प्लस करोगे, बाकी सब सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाला इसका रो, सेकंड वाली रो इसकी सेकंड रो, फर्स्ट वाली ना इसकी सेकंड वाली रो इसकी थर्ड वाली रो, ये यहां 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 और यहां लिखेंगे। फिर थर्ड वाली रो लेंगे इसकी फर्स्ट वाली रो, थर्ड वाली रो इसकी सेकंड वाली रो, थर्ड वाली इसकी थर्ड वाली, इस तरह सब ये यहां यहां लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं अपन ने फार्मूला भी पढ़ा है, अगर एलिमेंट जो भी लिया है उसी का कोफैक्टर लिखे हैं, जैसे a1 लिया तो a1 कोफैक्टर, b या b1 है b1 लिया तो यहां कोफैक्टर भी क्या है b1 है, c1 लिया तो c1 ही उसका कोफैक्टर है। ऐसा अगर हमें मिलता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है डिटरमिनेंट होती है और ये डेल्टा होती है, डेल्टा लिखेंगे आगे, ठीक है, इसी जगह पर डेल्टा लिखेंगे। और a1 एलिमेंट है अगर यहां इसी का कोफैक्टर नहीं है यानी a1 नहीं है किए हैं। आगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए।